all and welcome to my second part of ways to blend the color pencil properly. Hey, I'm Devika and welcome to my channel Artist Devika Art. So, color pencil के बहुत सारे technique होते हैं blend करने के. So, कुछ technique मेरे first part पे right. आप लोगों ने first part को miss कर दिया है. So, आप लोगों को तो पता नहीं होगा कि मैंने बाहर क्या बताया है. So, देखने की जरूरत नहीं है. आप लोग second part ही देखिए. Just kidding. अरे देख के आओ भाई. वाह, मैंने कुछ टेक्निक्स बताई हूँ एंड टिप्स शेयर करी हूँ. सो सेकेंड पार्ट में भी मैंने दूसरे कलर पेंसिल ब्लेंडिंग के टेक्निक्स एंड कुछ टिप्स शेयर करी हूँ आप लोगों के साथ. सो और लेट ना करते हुए लेट्स हैव अ लुक. आप लोग सोच रहे होंगे वाटर कलर क्यों कर रही हूँ. ओ राइट, आप लोगों ने तो फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है इसलिए आप लोगों को पता नहीं है. बट जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा है उन लोगों को पता है क्यों. So you also want to know why? Then go check the first part of this video. Link मैं description में दे दूँगी. वहाँ से आप लोग check कर सकते हैं. In this part, first I'm coloring the shadow parts of the face and then coloring the brighter parts. इस process पे जहाँ जहाँ shadow parts या darker parts हैं, वहाँ पहले darker color करा जाता है and then जहाँ light parts या bright parts हैं, वहाँ brighter color करा जाता है. इस technique से color pencil coloring में highlights बहुत अच्छा होता है. Did you notice? First part से इसका color करने की technique थोड़ा अलग है. Here I am doing single coat of color and also आप लोग notice करे होंगे कि मैं color करने के time थोड़ा ज़्यादा pressure दे के color stroke कर रही हूँ. लोगों के लिए एक टिप है कि अगर आप लोग एक स्मूथ ब्लेंडेड कलर चाहते हैं तो आप लोग व्हाइट पेंसिल यूज कर सकते हैं. व्हेन एंड हाउ? जब आपको लगे कि किसी पार्ट पे आपकी सारी कलर हो गया है तब एंड में उस पार्ट पे आप लोग व्हाइट पेंसिल यूज कर सकते हैं. लाइक दिस. देखिए, मैं एक ब्राइटर कलर लाने के लिए फर्स्ट येलो कलर देन ऑरेंज कलर एंड देन रेड कलर कर रही हूँ. ट्रस्ट मी, इससे आप लोगों को एक ब्राइटर इफेक्ट मिलेगा. कलर पेंसिल कलरिंग में अगर आप लोग ब्राइटर लुक चाहते हैं तो आप लोग लाइटर सेट से डार्कर सेट एक ही जगह पे करें. इससे आप लोगों को जरूर एक ब्राइट लुक मिलेगा. और एक टिप फॉर ऑल, कलर पेंसिल ब्लेंड करने के लिए आप लोग फर्स्ट कलर पेंसिल से जिस साइड स्ट्रोक दे के कलर करेंगे उस साइड के ऑपोजिट साइड से दूसरा कलर से स्ट्रोक देना. इससे अच्छा ब्लेंड होता है, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ. Thank you.
you for watching this video. For more video like that, please subscribe my channel and press the bell icon and don't forget to hit the like button too and comment down below ki iske baad aap kis topic ke upar video chahte hain.